और यह एक ऐसी सौगात है जिसमें कोई विवाद नहीं है। विकास तो लोगों ने सफाई का भी कराया था, सिर्फ विवाद हुआ करते थे कि क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ सफाई बसता है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं सिर्फ गोरखपुर का विकास नहीं हुआ है, जिस तरीके से गोरखपुर का विकास हुआ है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों का समान रूप से विकास हुआ है। आपको याद होगा योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के पूर्व 4-5 जिले होते थे विशेष रूप से जहां बिजली आती थी, सैफई में आ जाती थी, इटावा में आ जाती थी, हाईकोर्ट के दबाव में इलाहाबाद में आ जाती थी, राजधानी के दबाव में लखनऊ आ जाता था, कितना संघर्ष किया करते थे। आज जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए हैं, योगी आदित्यनाथ ने पहली बार यह बयान दिया था कि मैं गोरखपुर का मुख्यमंत्री हूं, इसका मतलब मैं सिर्फ गोरखपुर को बिजली दूंगा और पूरे प्रदेश को अंधेरा छोड़ दूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जो अधिकार गोरखपुर के नागरिकों को मिलेगा वही अधिकार मैं पूरे प्रदेश के हर जनपद के नागरिक को दूंगा। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज हम गोरखपुर शहर के लोग लोकल फॉल्ट की बातों को छोड़ दी जाए तो 24 घंटे लगातार बिजली पाते हैं, न किसी आंदोलन के बारे में सुनते हैं, न किसी के विरोध के बारे में सुनते हैं। इन 4 सालों में गोरखपुर किस प्रकार से बदला है आप बड़ी बात जानते हैं, विभिन्न मंचों पर हम लोग कहते रहते हैं, माननीय सीताराम जी इसका वर्णन भी कर रहे थे। इन 4 सालों में जैसे गोरखपुर एक नए गोरखपुर के रूप में स्थापित हुआ है और जिस तरीके से गोरखपुर की परिभाषा पूरी दुनिया में बदली है, आप सब इससे भली बात परिचित हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोरखपुर का विकास हुआ है। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, पूरे देश के अंदर विकास की लड़ाई में उत्तर प्रदेश बहुत पीछे आया करता था। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं इन 4-4.5 सालों के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश का विकास इतना बेहतर हुआ है कि आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश विकास के पैमाने के ऊपर महाराष्ट्र के बाद दूसरा प्रांत बनकर के खड़ा है। और जैसी आपने घोषणा की है कि भारत अगर 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगा तो बिना उत्तर प्रदेश के नहीं बन सकता, यह भी एक सत्य है। आपने घोषणा की है कि हम उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बना करके दिखाएंगे। अगर 1 ट्रिलियन इकॉनमी 2022 तक नहीं बन पाई तो कम से कम 23, 24, 25 अभी आप रहने वाले हैं, हम लोगों के बीच में से कहीं जाने वाले नहीं हैं। हमें विश्वास है कि आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे विकसित प्रदेश बनकर के सामने आएगा और यह सच भी है। पूरे देश की आजादी के लड़ाई में जितना बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश ने किया था किसी प्रांत ने किया नहीं था। हमारे बलिदान से यह देश आजाद हुआ था, हमने संघर्ष किया था अंग्रेजों से। आजादी की पहली लड़ाई 1857 की रही हो और आजादी की दूसरी लड़ाई हो, हमारे अपने मजदूर थे जो गिरमिटिया मजदूर बना करके दुनिया के 45-47 देशों में भेज दिए गए थे। विकास के पैमाने पर हम बहुत पीछे खड़े थे, गोरखपुर में आकर कोई बसना नहीं चाहता था, इंडस्ट्रीज लगना नहीं चाहती थी। और कल मैं अखबार में अमर उजाला के अखबार में किसी व्यापारी उद्योगपति का बयान पढ़ रहा था, अब बाहर बैठे हुए उद्योगपति हमारे पूर्वांचल में लाकर के अपने उद्योगों को स्थापित करना चाहते हैं। आपने एक ऐतिहासिक इन्वेस्टमेंट समिट किया, मुझे लगता है कि 4.5 लाख यदि मैं गलत न हूं तो 4.5 लाख करोड़ के ईएमई साइन हुए थे। हमारे इसी पूर्वांचल में 3700-3800 करोड़ रुपए की इंडस्ट्रीज के लिए एमओयू साइन हुए थे और उनमें से बहुत से जमीनी धरातल पर लागू हो रहे हैं। जिस प्रति व्यक्ति आय की हम बात करते हैं, जब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे तो हमारे देश की, हमारे प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 49,000 रुपए थी और बिहार को छोड़ करके उत्तर प्रदेश प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से सबसे अधिक पिछड़ा हुआ प्रदेश था। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपए के बराबर पहुंच चुकी है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमने उसमें 100% वृद्धि प्राप्त की है और यदि आपका कार्यकाल ऐसे ही बना रहा तो हम गर्व के साथ इस बात को कह सकते हैं कि किसी जमाने में मुंबई इंडस्ट्रियल हुआ करता होगा, सूरत हुआ करता होगा,
वह दिन भी आएगा जब हम देखेंगे कि हमारा यही पूर्वांचल और हमारा यही पूर्वी उत्तर प्रदेश पूरे देश में औद्योगिक विकास को गति देने का एक केंद्र बनकर के स्थापित होगा। आज इस मंच पर बातें तो बहुत सारी हैं, इतने सारे काम आपने गोरखपुर में कराए हैं कि उनको अगर गिनाया जाए तो गिनती कभी खत्म नहीं होगी। एम्स को हम लोग देख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की अवस्था हम लोगों ने देखी है, चर्चा हो रही थी इनकेफेलाइटिस की। आपके नेतृत्व में हम लोग आंदोलन किया करते थे 2003-04 में, आप सड़कों में मेडिकल कॉलेज से लेकर के कमिश्नर के बंगले तक जुलूस निकाला करते थे और हम लोग नारा लगाया करते थे, योगी जी का एक नारा, गोरखपुर बचे हमारा। ये 2003-2004 के उन जुलूसों को हम लोगों की स्मरण में आज भी वो जुलूस हैं। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं इस साल इनकेफेलाइटिस से होने वाली मौतें, जहाँ तक मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, सिर्फ 38 मौतें इस गोरखपुर में इनकेफेलाइटिस की हुई हैं, जबकि इसी गोरखपुर में हम लोगों ने हजार हजार 3,000-4,000 मौतों को बच्चों को इनकेफेलाइटिस के मरते या विकलांग होते हुए देखा है। यह अगर संभव हो पाया है तो आपकी दूरदर्शी नेतृत्व के नाते, आपकी नीतियों के नाते। पूर्ववर्ती सरकारों में मैं लगातार इस बात को कहता था, जब तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत नहीं की जाएंगी, तब तक सीएससी मजबूत नहीं की जाएंगी, जब तक हम जिला अस्पतालों को मजबूत नहीं करेंगे, अगर सारे मरीज इसी प्रकार से मेडिकल कॉलेज में आते रहेंगे तो मरते रहेंगे और विकलांग होते रहेंगे। मैं इस मंच से एक चिकित्सक के रूप में आपको इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आपने इस बात का एहसास किया, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और आपने अपने अधिकारियों के बल पर, हम सबके सहयोग के बल पर एक स्थिति पैदा की जब आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इनकेफेलाइटिस के मरीजों के मेडिकल आने की श्रृंखला पूरी तरह रुक चुकी है। आज हमारे मरीज, चाहे वो हमारी सीएससी हो, चाहे वो हमारे जिला अस्पताल हो, चाहे वो हमारे इनकेफेलाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर्स हो, हर जगह प्राथमिक स्तर पर ही इलाज पाते हैं और इसलिए विकलांग होने की स्थिति में नहीं जाते। एक बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत चर्चा हम लोग तीसरी लहर की सुनते हैं। एक दिन एक कार्यक्रम के लिए फोन आया कि आपको उस कार्यक्रम में वितरण करना है। मित्रों, देखकर आश्चर्य हुआ, तीसरी लहर अभी कहीं आई नहीं है। एक चिकित्सक के रूप में मेरी मान्यता भी है, कुछ और मैं इस मंच से नहीं कह सकता, लेकिन अच्छा लगा। चरगावा के उस स्वास्थ्य केंद्र में कार्यक्रम हुआ और हम लोगों ने अपने हाथ से चिकित्सा किट बांटे, पैकेट बना बना करके, 1 साल से छोटे बच्चों के लिए, 1 साल से 5 साल के बच्चों के लिए, 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए हम लोगों को किट दिए गए। मैंने एक चिकित्सक के रूप में किट को खोल करके दवा देखी और अच्छा लगा कि हर वर्ग के लिए जो समुचित दवा हो सकती थी, सर्वोत्तम गुणवत्ता और सर्वोत्तम पैकेजिंग आज के युग में बड़ी महत्वपूर्ण होती है, सर्वोत्तम पैकेजिंग के माध्यम से किट बनाए गए। सारे आशा बहुओं और सारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने एडवांस में वितरित कर दिया। बीमारी का अभी पता ही नहीं है, पता नहीं बीमारी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जो नीतियां हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनाई हैं और जिस प्रकार से कोरोना की तीसरी वेव को रोकने के लिए गांव-गांव तक एडवांस में इतने पहले ही दवा पहुँचा दी है, कोरोना आएगा तो भी हम उसका बहुत बेहतर मुकाबला करने वाले हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हुआ अपनी बातें समाप्त करता हूं। आज गोरखपुर क्लब में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं हम सबके संरक्षक परम पूज्य आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से सादर विनम्र अनुरोध है कि आज के कार्यक्रम में विभिन्न अवस्थापना एवं विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण अपने कर कमलों से करके समस्त अतिथिगणों के सानिध्य में हम सभी को कृतार्थ करें। आज नगर निगम के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से लगभग 93 करोड़ की कुल 370 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न होता हुआ करतल ध्वनि से इस क्षण को अभिभूत करें।
नगर निगम में विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न होता हुआ। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 11 लाभार्थियों को मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से चाबी प्रदान करके उन्हें उनका आवास दिया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध है कि आप अपने करकमलों से दे करके उन्हें गौरवान्वित करें। मिस्टर विनोद कुमार, फादर सत्यनलाल, धर्मराज जी मिश्र, धर्मराज जी मिश्रा, वाइफ ऑफ भगवती मिश्रा, गुड्डी देवी, वाइफ ऑफ केशव प्रसाद, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से अपने आवास की चाबी को प्राप्त करते हुए गुड्डी देवी जी, सीमा देवी जी, श्रीमती सीमा देवी जी, वाइफ ऑफ श्री पारसलाल, श्रीमती बुधिया, वाइफ ऑफ मिस्टर गोविंद, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बबीता जी, वाइफ ऑफ श्री कृष्ण, श्रीमती बबीता जी, वाइफ ऑफ मिस्टर कृष्ण, मिस्टर धर्मिला, वाइफ ऑफ भगु, श्रीमती बली देवी, मिस्टर लालचंद, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से चाबी को प्राप्त करते हुए श्रीमती बदामी, वाइफ ऑफ श्री राजू, श्रीमती बदामी, वाइफ ऑफ श्री राजू, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से चाबी को प्राप्त करती हुई प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगर निगम गोरखपुर के तत्वावधान में श्रीमती संगीता देवी, वाइफ ऑफ श्री शंकर, सब लोग से अनुरोध है कि कृपया ताली बजा करके इस क्षण को अभिभूत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध है कि आपके संज्ञान में नगर निगम गोरखपुर डूडा की एक संकल्पना रही है कि इस धारा में कुल 51 स्वनिधि मित्रों को, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की स्वनिधि मित्र योजना थी उसके तत्वावधान में लागू किया गया है, उन्हें नियुक्त किया गया है नगर निगम डूडा के तत्वावधान में। यह स्वनिधि मित्र हमारे 51 डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर के स्ट्रीट वेंडर्स का डाटा कलेक्शन करेंगे, साथ ही साथ मोबिलाइजेशन करेंगे, डाटा एंट्री का कार्य करेंगे एवं समस्त शासन के द्वारा चले आई जाने वाली परियोजनाओं के साथ ब्रिज एवं सेतु का कार्य करेंगे। कहा जाता है कि गुरु के आशीर्वचन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ज्ञानानृतेन मुक्ति, गुरु ही पूजा, गुरु ही ज्ञान, गुरु ही प्रेरणा और गुरु ही वरदान। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धे श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने मुखारविंद से आशीर्वचन के द्वारा हम सभी को अभिसिंचित करें। गोरखपुर नगर निगम विकास परियोजनाओं के आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में गोरखपुर के महापौर
श्री सीताराम जायसवाल जी। कार्यक्रम में उपस्थित नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, सहजनवा के माननीय विधायक श्री शीतल पांडे जी, नगर निगम के उपसभापति श्री ऋषि मोहन वर्मा जी, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री पुष्पतंत जैन जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री युधिष्ठिर सिंह जी, राजेश गुप्ता जी, पीके मल जी, प्रदीप शुक्ला जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, देवेश श्रीवास्तव जी, अच्युतानंद शाही जी, सभी नगर निगम के पार्षदगण, महानगर के विभिन्न वार्डों से उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि नगर निगम ने नगर के विकास के लिए जो धनराशि उपलब्ध थी पूरे महानगर के अंदर, उस धनराशि का उचित नियोजन करते हुए आज उसका लोकार्पण और नए कार्यों का शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी महानगरवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कुल 237 परियोजनाएं, जिसमें सड़क की भी हैं, पेयजल की भी हैं, सीवर की भी हैं, और 62 करोड़ रुपये से अधिक की इन परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अच्छा प्रतिनिधित्व तो चुनेंगे तो विकास के पैसे का सही इस्तेमाल होगा। सरकारें पहले भी थी, पैसा पहले भी था, लेकिन पैसे में पहले लूट खसोड़ ज्यादा थी, बंदरबांट ज्यादा थी, अराजकता ज्यादा थी। आज वही सिस्टम है, केवल कुछ चेहरे बदले हैं, और वही सिस्टम विकास की योजनाओं का बेहतर लाभ आम जनमानस को दे रहा है। ये आम जनमानस को मिलने वाली योजनाएं, चाहे वह सड़क की हों, बिजली की हों, पानी की हों, साफ सफाई की हों, चिकित्सा स्वास्थ्य की हों, प्रधानमंत्री आवास योजना की हों, विद्युत कनेक्शन की हों, विद्युतीकरण की हों, आखिर काम पहले भी हो सकता था। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन हर गरीब के पास अपना मकान हो, अपने पूर्वजों के नाम पर योजना का नाम रखने की होड़ तो थी, लेकिन एक गरीब को आवास ईमानदारी के साथ मिल सके, इस ईमानदारी का अभाव था। आज आवास बिना भेदभाव के हर गरीब को मिलता है, न उसकी जाति देखी जाती है, न क्षेत्र देखा जाता है, न भाषा देखा जाता है, न मत देखा जाता है, न मजहब देखा जाता है। विकास की योजना गरीब का हक है और इसे मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मकान हर गरीब को उपलब्ध कराने का कार्य किया और आज उसका लाभ देश का हर गरीब ले रहा है। गोरखपुर महानगर के अंदर 25,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। याद करिए, इन 25,000 लोगों के जीवन में नया परिवर्तन लाने वाला क्रांतिकारी कदम है। अभी मैं देख रहा था, प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर को योजना के साथ जोड़ना, उस योजना का बेहतर उपयोग करना और उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने की योजना, इनके साथ जुड़े हुए स्वयंसेवक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। हर स्ट्रीट वेंडर को, पहले स्ट्रीट वेंडर
कुछ लोगों के शोषण का जरिया बनता था, आज उसी स्ट्रीट वेंडर के स्वावलंबन का कार्यक्रम केंद्र और प्रदेश सरकार करा रही है और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना इसी का एक भाग है। हर घर में शौचालय होना चाहिए। ये जो नौ की बीमारी थी, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी थी, ये बीमारी क्या थी? ये मस्तिष्क ज्वर क्या था? गंदगी, अशुद्ध पेयजल, यही तो इसका कारण था। एक एक घर में शौचालय बनाया गया, स्वच्छता पे ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया गया, बिना किसी सिफारिश के स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ हर एक व्यक्ति को प्राप्त हो सके। जब यह कार्यक्रम ईमानदारी पूर्वक चलाया गया तो उसका परिणाम भी क्या निकला कि इंसेफ्लाइटिस भी समाप्त हो गई। ईमानदारी से हर व्यक्ति को योजना का लाभ देने का कार्य हुआ और समय पे उपचार, समय पे बीमारी की पहचान, समय पे टेस्ट, तो कोरोना भी उत्तर प्रदेश से गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, ये प्रबंधन होता है और सरकार का काम यही प्रबंधन करना होता है और सरकार उसी प्रबंधन के साथ आज प्रदेश के हर नागरिक को जोड़ रही है और उसी प्रबंधन के साथ जोड़ने के लिए नगर निगम गोरखपुर ने जो एक कार्यक्रम तय किए हैं, आज नए सिरे से एक नई पहचान गोरखपुर नगर निगम को मिल रही है। मैं पिछले दिनों जब नगर निगम में गया था, उस समय मैंने सीताराम जी से कहा था ये बात। मैंने कहा, देखिए गोरखपुर नगर निगम बाद में बना, पहले वहां पे टाउन एरिया था, फिर वह पालिका परिषद बना होगा, बाद में नगर निगम बना है, और उस छोटे से भवन को लेकर के इतने दिनों से एक कवायद चल रही थी। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और नगर निगम को नया भवन भी बन गया। आज नगर निगम अपने नए भवन के साथ, एक नई पहचान के साथ, आने वाले 100 वर्ष के बाद जब यह भवन बनकर के पूरा होगा और इस भवन के बारे में 100 वर्ष के बाद जब उस समय की पीढ़ी चर्चा करेगी, तब ये बात जरूर आएगी, महापौर कौन था, पार्षद कौन कौन थे। अब याद करिए ना, उस समय गोरखपुर की तस्वीर क्या होगी, ये उस समय की बात है। सीताराम जी इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं, जवाहरलाल कसौंदन इसके लिए दुर्भाग्यशाली है कि महापौर नहीं बने, और वो सौभाग्यशाली है कि महापौर बन गए। उनके नाम से भवन का नाम, उनके नाम से भवन जब भी इतने वर्षों के बाद आएगा तो उनका नाम उसके साथ जरूर जुड़ेगा। इसलिए बेहतर कार्य, आर की कार्य पद्धति आपकी पहचान होगी और आपकी पहचान आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बन सके, लोग उससे प्रेरित हो सके। यह कार्य हमें निरंतर करना चाहिए और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 237 परियोजनाएं एक साथ गोरखपुर नगर निगम के अंदर, नगर निगम के द्वारा, योजनाएं अलग अलग हो सकती हैं, कुछ 14वें वित्त से होंगी, कुछ 15वें वित्त से होंगी, कुछ दीनदयाल उपाध्याय नगर योजना के अंतर्गत होंगी, लेकिन नगर निगम ने उन योजनाओं को पूरे नगर के अंदर अलग अलग वार्डों में पार्षदों की सहभागिता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हमारे पार्षदों ने बहुत अच्छा काम किया था कोरोना के द्वितीय लहर में, जब प्रदेश सरकार ने निगरानी समिति बनाई थी और निगरानी समिति के माध्यम से हर पार्षद अपने अपने वार्ड का अध्यक्ष था निगरानी समिति का, तो डोर टू डोर सर्वे करना, स्वच्छता सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाना, अगर किसी व्यक्ति के 24 घंटे के अंदर लक्षण युक्त व्यक्ति की जांच करवाना, और अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया तो उसको समय पर हॉस्पिटल या फिर अगर होम आइसोलेशन में है तो निरंतर उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी लेना। एक पार्षद के रूप में आपकी ये जिम्मेदारी
कोरोना कालखंड में देखने को मिली कि कितनी प्रतिबद्धता के साथ आपने कार्य किया और उसका बेहतर भी परिणाम हुआ कि आज उत्तर प्रदेश जो सराहना प्राप्त कर रहा है। निगरानी समिति, हेल्थ वर्कर और कोरोना वॉरियर्स की जो मेहनत थी उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश बेहतर परिणाम देने में सफल हुआ। हमें निरंतर अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से जिस जन समुदाय ने हमें समर्थन दिया है उसके विश्वास को बरकरार रखने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा, अहर्निश प्रयास करना होगा। नहीं तो हम देख रहे थे बहुत कुछ लोग ऐसे भी थे, कोरोना जैसे आया उन्होंने अपने को होम क्वारंटीन कर दिया, कहीं निकले नहीं, बैठे रहे, टिप्पणियां करते रहे, कोई हालचाल लेने के लिए नहीं निकला। लेकिन वे भी लोग थे जिन लोगों ने अपने जान की परवाह किए बगैर अपने वार्ड के एक एक व्यक्ति की ओली और उस व्यक्ति का हालचाल लेते रहे, और जनता ने उस दिन अपने को धन्य महसूस किया होगा कि हमारा चुनाव सही था, कि जो व्यक्ति संकट के समय में हमारा हालचाल ले रहा है इसका मतलब हमने सही व्यक्ति को चुनाव किया था। और इसीलिए मैंने जब यहाँ नगर निगम के कार्यों का पिछले दिनों भी और आज भी जब शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा था तो मैंने जरूर कहा, मैंने कहा भी जिस वार्ड का हो उस वार्ड के पार्षद का नाम उसमें जरूर आना चाहिए, जिससे पार्षद इस बात को महसूस कर सकें कि मेरे प्रस्ताव पर यह कार्य हुआ है और नगर निगम के द्वारा ये कार्य मेरे वार्ड में हो रहा है। क्योंकि विकास की सबसे छोटी इकाई के रूप में उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, हर व्यक्ति अपनी रोज की जरूरत के लिए उसके पास आता है, उसके सामने अपनी बात को कहता है, अपनी बात उनके सामने रख करके कभी कभी ज्यादा जिद भी करता है, और अगर वह व्यक्ति उन जिम्मेदारियों के साथ जुड़ा हुआ है तो पूरी जवाबदेही के साथ उन कार्यों को करता है। नगर निगम की 237 परियोजनाएं इस बात को प्रमाणित भी करती हैं। भाइयों बहनों, हम सबको एक सजग नागरिक के रूप में सदैव सचेत रहना चाहिए, विकास के प्रति भी और अपने आसपास के प्रवेश को देखते हुए सुरक्षा के प्रति भी, कि सुरक्षा बीमारी से भी और किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी। हमारी थोड़ी सी सजगता बहुत सारे लोगों के जीवन को सुरक्षित बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर दो बड़ी घटनाओं का पर्दाफाश किया है। एक घटना थी जो दिल्ली के बटाला हाउस से संचालित हो रही थी, उत्तर प्रदेश के अंदर मूक बधिर बच्चों को निशाना बना करके मतांतरण के माध्यम से उनको जिहादी कार्य के साथ जोड़ने और उसके माध्यम से सुरक्षा में सेंध लगाने का एक कुत्सित प्रयास हो रहा था, कुत्सित षड्यंत्र रचे जा रहे थे। सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते उसको बेपर्दा किया और आज ऐसे तत्वों के साथ बहुत सख्ती के साथ कानून के दायरे में रहकर के कार्रवाई की जा रही है कि अगर हमारी सुरक्षा में सेंध लगाओगे तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी, और आज उनके साथ बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। दूसरी घटना आपने 3 दिन पहले देखी होगी, लखनऊ राजधानी में पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों के साथ जुड़कर के कुछ लोग एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। हम भी अपने आसपास के क्षेत्र में सजग होकर के इस प्रकार की गतिविधियों की निगाह रख सकते हैं, क्योंकि वे चेहरे अलग होते हैं, उनकी गतिविधियां संदिग्ध गतिविधियां। अगर आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जनता के साथ सतत संपर्क और संवाद है, तो आम जनमानस इस बात को बता सकता है कि कहां पे क्या चीज हो रहा है, और यह भी ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण रहा है कि जनता के द्वारा इस प्रकार की सूचनाएं देना कि हमारे यहां कुछ संदिग्ध लोग
कुछ गतिविधियों में लिप्त हैं, थोड़ा इन पे निगाह रखने की आवश्यकता है, और इतना पर्याप्त था। निगाह रखने के बाद जब देखा गया तो बारूद के जखीरे मिले हैं, बॉम मिले हैं, अन्य अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। जब देश आजादी के माहौल में मशगूल होता उस समय वह फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ा विस्फोट करके सुरक्षा में सेंध लगाने की कुछ षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन समय रहते इस प्रकार के षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया गया। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, हम सबकी सजगता, आम नागरिक की सजगता किसी भी व्यवस्था को सदैव सुरक्षित रख सकता है। एजेंसियां काम कर रही हैं, काम करेंगी, लेकिन एक नागरिक के रूप में हमारा भी कोई दायित्व बनता है, और उस दायित्व का निर्वहन करते हुए अगर हम पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई कारण नहीं इस प्रकार की गतिविधियों को समय रहते हम मुंहतोड़ जवाब दे करके उन्हें बेपर्दा कर दें। और ऐसे तत्वों का कहीं समाज में रहते हैं तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए, जनता के द्वारा ऐसे लोगों को पूरी तरह बाइकॉट करना चाहिए, क्योंकि वह केवल एक व्यवस्था का नहीं बल्कि समाज की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं। न जाने कौन व्यक्ति बॉम्ब, किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब नहीं देखता, और जो लोग इस प्रकार की सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं उन लोगों के मंसूबों को पूरी तरह ध्वस्त करने की आवश्यकता है। और जनता की जागरूकता, और खासतौर पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें वार्ड स्तर पर काम करना है, ग्राम पंचायत स्तर पर काम करना है, उनके संपर्क बहुत सघन होते हैं, वे इसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं और बड़ी घटना को टाल सकते हैं, और उस बड़ी घटना को टालने में आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है। इस दिश से आप सबको सजग रहने की आवश्यकता है। यह विकास तभी सार्थक है जब हर व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, और इसलिए सरकार ने पहले दिन से इस बारे में कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को हर हाल में सुरक्षा प्रदान की जाएगी, और 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने के लिए किसी को भी छूट नहीं देंगे। जो भी उसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, और इसीलिए सख्ती के साथ प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार की समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधि को कुचलने का कार्य हो या पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान का कार्यक्रम, पूरी शक्ति के साथ उनसे निपटने का कार्य चल रहा है। आज के इस अवसर पर जब विकास की ढेर सारी परियोजनाएं गोरखपुर महानगर को मिल रही हैं, बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है, और मेरा यही आग्रह होगा कि योजना बनाते समय हम जनता की प्राथमिकता को जरूर ध्यान में रखें। जनता की पहली प्राथमिकता क्या है? योजनाएं सभी पूरी होंगी, लेकिन प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अगर हम उन योजनाओं को बनाते हैं और समयबद्ध ढंग से उन योजनाओं को आगे बढ़ा लेते हैं तो समयबद्ध ढंग से बनने वाली इन योजनाओं का लाभ, एक तो राजकोष पर अधिक खर्च नहीं पड़ता, अनावश्यक रूप से किसी परियोजना में लेट, ये राजकोष पर अनावश्यक बोझ तो है ही, लेकिन साथ साथ जनता को भी मिलने वाली सुविधाओं को से उन्हें वंचित करने से ऐसी स्थिति हो जाती है। और इसलिए सदैव इस बात के लिए सतर्क रहते हुए कि किसी को भी हम लोग समयबद्ध ढंग से कार्य करने में विचलन की छूट न दें, कार्य के मानक की गुणवत्ता को हर हाल में बनाए रखने की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्थाओं को और हमारी जिम्मेदार संस्थाओं को उठाना पड़ेगा। अगर ये कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ते हैं तो फिर हर व्यक्ति योजनाओं का लाभ पा सकता है। तीसरा, पात्रता की चयन की स्थिति हमारी जिम्मेदारी बनती है। आवास सरकार सबको दे रही है, हर गरीब को पात्रता के हिसाब से आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नगरीय क्षेत्रों में तो इसमें काफी शिथिलता दी गई है, और मैं चाहूंगा कि जो नए क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में जुड़े हैं वहां पर प्राथमिकता के आधार पर चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
इसी नगर के अंदर नगर महानगर का दायरा तो बढ़ा दिया गया था, लेकिन एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा था जहां पर बिजली बांस की बल्लियों में दी जाती थी। आखिर बांस की बल्लियां हटी और आज वहां पर विद्युतीकरण का लाभ हर एक व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है। जल जमाव की समस्या के समाधान का भी एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर के आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे बरसात के समय में जो मोहल्ले जल जमाव से युक्त तो हो जाते हैं, जल जमाव से उन लोगों को वहां पर राहत मिल सके। बड़ी बड़ी परियोजनाओं के साथ साथ स्थानीय स्तर पर मोहल्लों से जुड़ी हुई, वार्ड से जुड़ी हुई इन समस्याओं का समाधान भी समयबद्ध ढंग से हम आगे कर सकेंगे, इस विश्वास के साथ आज नगर निगम ने 237 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न किया है। मैं नगर निगम के महापौर, उपसभापति, सभी पार्षदगण, नगर आयुक्त और पूरी नगर निगम की कार्यकारिणी समेत आप सभी को, पूरे नगर महानगरवासियों को इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास है कि विकास के कार्यक्रमों के साथ हम जुड़ करके न केवल विकास को आगे बढ़ाएंगे बल्कि कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए जो भी सावधानी और सतर्कता बरतने के लिए प्रधानमंत्री जी ने और प्रदेश शासन ने समय समय पर अपील की है, हम सब उसका पालन करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। माननीय महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी एवं आदरणीय नगर